बजे, 2:30 बजे हमारी बिरयानी रेडी हो गई थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अकबर अहमद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज का ये व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो मुजाहिद कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे इफ्तार दावत है हमारी, एंड अभी भी आने वाला है। तो वैसे तो आप सबको पता है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, कहीं निकलना नहीं हुआ, लेकिन ये पहला इफ्तार है कि हम निकले हैं घर से बाहर। तो बस चलते हैं मुजाहिद कहाँ और देखते हैं कि मुजाहिद क्या कर रहा है। इस व्लॉग को एंड तक देखिए क्योंकि ये व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। तो बस हम आ गए खतरे में, और खतरे की एक चीज़ मैं ख़ास बात बता दूँ कि यहाँ पे हमारे मौदहा के बहुत सारे लोग रहते हैं खतरे में, और मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं, मुजीब भाई भी रहते हैं, तो इंशाल्लाह उनके यहाँ मुझे जाना है, तो वो भी हैं, तमाम लोग रहते हैं। तो बस चलते हैं मुजाहिद के यहाँ और आपको हम खतरा भी दिखा देते हैं। मौदहा वाले खतरे से बहुत ज़्यादा रूबरू होंगे। तो ये है हमारा खतरा, और ये शिया कॉलेज के सामने से जो ढलान आती है वहाँ से है, तो माशाल्लाह से अच्छा एरिया है। मौदहा से आप निकलेंगे यहाँ तो कोई ना कोई आपको जान पहचान के मौदहा का मिल जाएगा। नए हमारे सब्सक्राइबर होने वाले हैं इंशाल्लाह मुजाहिद हाउस। तो बस चलते, एक बार कॉल कर लें उसको, फ़ोन लगा रहा हूँ, ये फ़ोन नहीं उठा रहा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अकबर भाई क्या हाल है? हाँ आप बोलो। और सब खैरियत? सब बढ़िया। हमने कहा मुझे फ़ोन नहीं उठा रहा, हमने कहा पक्का कहीं ना कहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? सब बढ़िया माशाल्लाह, एक नंबर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वैसे मैंने दरवाज़ा ताला लगा हुआ था। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? ताला लगा था। अरे वो नीचे, खैरियत से हैं? क्या तारी बहुत मेहनत कर डाली आई थी? कुछ नहीं। सो मेरे व्लॉग में कई बार मिल चुके हैं सबा से, मुजाहिद वाइफ। सबको पता है बिरयानी बहुत अच्छे बनाती है माशाल्लाह से। सो दिस इज ताला कहाँ लगा था? ताला कहाँ था? अरे वो जो नहीं जीना जो था, तो मैंने कहा कि चलो इस बार ताला लगा, तुमने यहाँ से कहा ना ताला लगा है, तो मुझे लगा तुम उसी ताले की बात करो जो जीने पे लगा है। हाँ तो मैंने कहा कि चलो अच्छे से बताने, सब लोग पहले उसी दरवाजे को खोलना शुरू करते बाद में ऊपर चढ़ते हैं। पहुँच गए हैं मुजाहिद के यहाँ। मैं अमीनाबाद से जल्दी जल्दी, मैंने कहा पहले मैंने सोचा कि रेपिडो कर लूँ, फिर मैंने कहा यार टाइम है क्योंकि थोड़ा सा तो हाँ है। तो मैंने कहा चलो ऑटो, क्योंकि उस सेम टाइम जाम हम कहीं मिला नहीं है, अब बहुत ऑटो भी एक सवारी खाली थी, तो जल्दी से बैठ गए तो आ गए। तो मिली हमारे दोस्त मुजाहिद से, एंड मुजाहिद के पापा एंड हमारे खालू लगते हैं। तो बस अभी भी आएगा ना? आएगा, अभी भी आने वाला है, तो बस अभी आता है, अभी से मिलाते हैं। तो यहाँ पे आज इफ्तार करेंगे, उसके बाद फिर बने रहे व्लॉग को एंड तक देखें। ये इस रमज़ान में आई थिंक पहला मेरा फैमिली व्लॉग है, मतलब जिसमें हमारी कोई ना कोई फैमिली आई है, अदरवाइज़ तो सब आप देख ही रहे हैं कि कितनी भाग दौड़ हो रही है। कैसे तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, चलिए सब। अभी मम्मी से वही बात है, मैंने कहा अभी जो रात में हम लोग की बात हो रही थी, मैंने कहा सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, याद रखिएगा। सबको याद करते हैं, हम तो ये लगता था कि तरावी ना पढ़ पाएंगे, उठ नहीं पा रहे थे, तो दवाइयाँ दी और एंटीबायोटिक दी, अल्लाह नमाज की ताकत में हमें खड़ा कर दिया। शुक्रिया, हमारा शुक्रिया, ये देखो शुक्रिया। नहीं नहीं मुझे आना ही था, लास्ट टाइम बात करी थी तो मैंने कहा नहीं, असली संडे को रखा, तो संडे को कहने को माइंड फ्री रहता है, मेहनत कर डाली, सब क्या पहुंचा भी दिया। हमने सुबह से 11 बजे से लगे हम लोग, हमारी 3 बजे 2:30 बजे हमारी बिरयानी रेडी हो गई थी। बस अब ये पकौड़े की तैयारी हो रही है, ये बन रहे हैं प्याज के भजिए कहते हैं, छत्तीसगढ़ में तो भजिए बोलते हैं, भजिए कहते हैं, भजिए बोलते हैं, तो ये प्याज की भजिए या पकौड़े या फुलौरी मौदा में। अब असली आवे काम फुलौरी फुलौरी। कल मैं गया दुकान तो मैंने कहा काम करो मट्ठा वाली फुलौरी दे, तो कह रहे क्या, मन के फुलौरी, मन के वो कह रहे वो उठा दो। सब अकेले बनाई है पूरी? ये माशाल्लाह से जो है तो देखिए कितनी लजीज लग रही है, खत्म हो गया, मतलब पूरी सबा ने अकेले बनाई है, मतलब हेल्प हुई है, लेकिन द मेन कुक इज द सबा, बहुत टेस्टी थी लास्ट टाइम जब फातिमा में आए थे ना। हाँ। मतलब मैं मुझे हमेशा कह रही हूँ वो और रायता दो चीजें, मतलब द कॉम्बिनेशन वॉज टू गुड, मतलब बहुत यमी थी। हाँ, और अभी तक वो जो उसका जो फातिमा वाली बिरयानी का जो टेस्ट है ना। हाँ। वो अभी मतलब जैसे ना भूलने वाला नहीं है, तो अभी तक वो टेस्ट है। अब वो बाखुदा फातिमा की दिस्ती अच्छी बन गई थी, इतनी अच्छी बनाती है। ग्यारहवीं शरीफ की दिस्ती ज्यादा अच्छी बन गई थी। हाँ नहीं नहीं वो वाकई मतलब बहुत अच्छी बनी थी, मतलब ये हुआ कि अब अभी आएगा प्रखर बिरयानी खाता नहीं है, हमने कहा इसके लिए मैंने कहा पकौड़ी तुम्हारे लिए बना। चलो अच्छा प्रखर ये लखनऊ में ही तो है, आएगा अभी। चलो बढ़िया बढ़िया,
ठीक है अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है उनकी, कल से मतलब बेहतर है तो हमको भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, नहीं तो बहुत टेंशन थी, टेंशन रहती है वो माइंड में जो है ना, जब देखो माँ बाप को कुछ हो जाता है ना तो वो अंदर से फिर वो खुशी नहीं रहती, वो टेंशन वो परेशानी, क्योंकि जिनको आप हमेशा हंसी खुशी फिर होते हैं ना, कभी आप उनको ऐसा कैसे देख सकते हो इस कंडीशन में। मेरे बर्थडे में पूरा केक उठा के मेरी टी शर्ट के अंदर डाल दिया और मैडम मतलब जो है तो इनकी वाइफ कह रही है कि इनके बर्थडे ब्लॉग में इनको कुछ ना करिएगा, मतलब अभी बर्थडे अभी आने को टाइम है और अभी से नए कपड़ा पहने रहते हैं। नए क्या हमने पुराने पहने थे? अब वो आपके वाईफाई को तो आप ही डिफाइन करेगी ना, अभी तो मैं नहीं 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 कुछ नहीं, हम अभी जो अभी, मेरी प्लान बना रहा था अभी कह रहा है यार इसका डाल देते ये कर अभी अभी गाने तो परसों है ना मंडे को, अभी का माहौल बना अभी कभी बताएंगे अच्छी तरह से। मेरा तो बहुत एकदम करके पूरा एकदम पूरा शर्ट हमने किस तरीके से सोचा ना होगा कैसा, नहीं हमने कहा ठीक है लगा देगा हमें कब अंदर पूरा एकदम पूरा मेरा मेरे बॉडी नहीं लगा के पूरा मैशअप कर दिया मेरे पूरा एकदम, और ना मैं इनरवियर पहने ना कुछ, पूरा मेरे बॉडी के बालों में चिपक गया सही में माहौल बन गया था। हाँ बहुत खराब था, मैंने अभी तक ऐसा कहीं किसी के साथ नहीं हुआ ऑफिस में, नहीं मतलब मैंने किस तरीके से उसको साफ किया है आई नो यू नो, मतलब अरे पुराना भेजा दो चाहे जौन सा भेजा दो, लेकिन इस बार तो नहीं बच पाएगा चाहे जितना चिल्लाए। तो भाई वजू बना लिया है और अब लगा लें टोपी, माशाल्लाह एक टोपी मुझे लेना है, ये वाली टोपी थोड़ी सी टाइट है तो मेरे यहाँ पे जो है ना रिंकल्स पड़ जाते हैं, ये वाली टोपी थोड़ी टाइट है यहाँ पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो उस दिन मैं जो ट्राई कर रहा था ना उसी टाइप की थोड़ी सी हल्की वाली टोपी लूँगा जो आई थिंक अच्छा लगेगा। मैं रेडी हो गया, मुजाहिद ने भी वजू बना लिया है और अब दस्तरखान लग गया तो दस्तरखान पर बैठते हैं। तो ये आपकी पकौड़ी है और ये आपका चटनी, ये मी चने से माशाल्लाह से बहुत अच्छी चटनी बनाती है, मुजाहिद लेके आता है ट्राई, एंड ये तरबूज माय फेवरेट। इसमें एक चम्मच कम कर दिया, अरे ठीक है इसमें है तो। और अकबर भाई रोजा कितना हुए, पूरे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? पूरे नहीं चल रहे, जब अल्लाह से चोरी नहीं तो बंदे से क्या चोरी, तो मैं तो बता देता हूँ मुजाहिद को मेरा यही है, जैसे बहुत लोग झूठ बोलते नहीं मेरे पूरे चले, मैंने क्यों नहीं चल रहे भाई, जब ऊपर वाले से चोरी नहीं तो बंदे से चोरी, बता के क्या करेंगे, वो तो देख रहे हैं ना कि कितने रह रहे हो। सुबह इफ्तार हो गया है और अब ये हमारी जनमाज आ गई है, नमाज पढ़ने की, तो अब नमाज पढ़ने की तैयारी, ये मुजाहिद और मुजाहिद की अम्मी भी यहीं पे पढ़ रही हैं, हम भी हैं सब, और सब संगोरी का सबा पढ़ेगी तो हम पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी चल भी आने वाले हैं, तो नमाज़ पढ़ लें फिर बिरयानी साथ में खाएंगे, अभी मेरे चने भी रह गए हैं वो भी खाने हैं नमाज़ पढ़ लें फिर मिलते हैं। तो भाई माशाल्लाह से नमाज हो गई है, आहा ये मुजाहिद ने अच्छा काम किया रोशनी जला के। हमारा मुजाहिद का जो याराना है वो क्लास फिफ्थ से है, मतलब जब हम क्लास फिफ्थ में तब मैंने अलेक्संजय भाई के यहाँ कोचिंग कर रहे थे हम लोग, हदरिया मोहल्ले में, हदरिया मोहल्ला लगता है ना वो तुम्हारा मोहल्ला जहाँ तुम्हारा कमरा है, कमरा मोहल्ला में थी संजय भाई की कोचिंग, तो कबीर वेल्डर के बगल में, तो वहाँ पे मैं लाइक मुजाहिद कर रहा था, फिर मैं फिर तब से हम लोग साथ ही में हैं, तब से हम लोग, तो वो होता नहीं दो यार होते हैं वो हमेशा जब बड़े हो जाए तब भी वो बहुत जिगरी वाले रहते हैं, कब वो घर बन रहा अच्छा हाँ वो सर्विस में भैया चले जाना, तो देख रहा अभी मैंने कल गबरू का ब्लॉग देखा तो वहाँ पर मैंने देखा, तो हमारा मुजाहिद का कुछ रिलेशन वैसा है और साथ में तकरीबन सात साल से काम भी कर रहे हैं, मतलब कभी इसने स्विच किया फिर साथ में, मैं पिछले ब्लॉग में एक बार यहीं पर हमने बैठ के आपकी चर्चा करी थी, अभी आता है देन साथ में फिर लंच करते हैं, लंच नहीं बिरयानी है तो डिनर हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि इतना आपका आईफोन लिया है बाबा ने तो दिल ऐसे तोड़ दिया, बाबा से उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं वो तो मजाक थी, खैर ऐसे आईफोन कोई गिफ्ट में नहीं कर देता है क्योंकि कोई वो 2-4 हज़ार की चीज़ नहीं है, वो तो ऐसे हम लोग तफरी बहुत तफरी कर रहे थे ऐसे, तो वो तफरी में हम जो है तो क्या बोलते तफरी, मतलब हमारा कहना है कि ऑफिस में हम थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऊपर वाला मजाक करते रहते तफरी मजाक वाला, तो वो उसमें सब चल रहा था तो वो एक तफरी होती रहती। मेरे सारे दोस्त सबके ब्लॉग में देखता हूँ, सारे इतना अच्छा कंटेंट देते हैं सारे दोस्त, लेकिन मेरे ऐसे दोस्त इतने शर्मीले दोस्त हैं कंटेंट ही नहीं देते, मुझको सब बोलना पड़ता है कुछ बोलो आज आपका बर्थडे है तो आपके जन्मदिन का
अरे आज रात 12 बजे हो जाएगा ना, तो जन्मदिन की इन एडवांस बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे जीते रहो। लेकिन जो तुम आईफोन नहीं दी उसका दर्द रहेगा। कोई बात नहीं, ये कितने मतलब जालिम इंसान है, होना चाहिए ना है? इतने जालिम इंसान तभी तो याद करते रहो, तभी तो याद कहते हो। आप अकबर भाई क्या हाल है? अकबर भाई कैसे हैं? अपने बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट भाई आज एकदम बिल्कुल। कितनी चीजें पहने हो मार, ये नूरानी चेहरा आया। अरे हमने कहा कि यार अब अकेले कैसे खाएं, कि हमने ज्यादा खा लिया, कम पड़ गया तो है ना। और आज तो 12 बजे तुम्हारा प्लान होगा, केक कट होगा। बहुत तगड़ा भाई, अभी से फोन आ रहे हैं। बहुत नहीं, आपको पार्टी मिलेगी, आप परेशान मत होइए अकबर। नहीं नहीं वो तो ठीक है, इनसे तो लेंगे लेंगे। तो ये है हमारी चारों की टोली, हालांकि अभी उत्कर्ष नहीं है, बट उत्कर्ष तुम्हारी जो पार्टी नहीं है, आते भी नहीं है, पेंडिंग है बस। तो बस अब चलते हैं थोड़ा सा बिरयानी तोड़ने, फिर आपसे मिलते हैं तोड़ते हुए। भाई ये हमारा है रायता, और रायता माशाल्लाह से बहुत लजीज रहता है, एंड ये आपकी यम्मी सी बिरयानी, एंड ये अभिचल है। अभिचल का बिरयानी बड़ा फेवरेट है ना बहुत हमारे शुद्ध शाकाहारी। मैं ये बिरयानी नहीं खाता, मेरे लिए कुछ स्पेशल बन रहा होगा। स्पेशल होगा, सो पकौड़ी वकौड़ी आई थिंक होगा। तो बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है, कैसी चल रही है जॉब? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको क्या मुझे जो तो यहाँ पे क्या बोलते हैं वो आ जाता है, रेपिडो रेपिडो कर लेंगे जाते वक्त, मतलब अभी जब निकले वही मैंने कहा कि सीधा यहीं बुक कर लेंगे तो यहीं से आ जाएगा। बिरयानी नहीं मेरे लिए बना हुआ है, बहुत ही डिलीशियस फूड। चलो कोई नहीं, आप खाओ, गुप्ता जी लो यार, शुरू करो अभी रायता डालो। ये लो ना गुप्ता जी, एक अकबर भाई ने ले लिया, एक लो आप, थोड़ी ना नजर लगेगी। अरे गुप्ता जी अच्छा नजर की वजह से कह रहा था अम्मा भैया हमें बिल्कुल क्या, वहाँ अकबर भाई की नजर रहेगी उसमें जब तक खत्म नहीं हम कर देंगे। अम्मा भैया आई मतलब यही आ रहा ये लेके। माँ गुप्ता जी आपसे उम्मीदें ना थी, कैसी बनी है? बहुत बढ़िया, शानदार। इसमें भी आपकी नजर है भैया, एक नंबर। मुझे भी एक नंबर मजा आ रहा है इसमें कसम से। आओ क्या अभी चलता ही है, बढ़िया मशरूम से बहुत टेस्टी, बहुत लजीज, मजा आ गया। हमने अपनी रेपिडो बुक कर दी है, तो रेपिडो वाला आ गया है, एंड यहाँ पे हो रही है चाय। हालांकि मेरी चाय रखी है तो इस बार चाय से माफ़ी चाहूँगा, दो शिफ्ट फिर भी मार लूँगा। अरे नहीं होता, आगे बढ़ा देगा मीटर। तो ये अपने बाबा हैं, हाँ चार्जेस बढ़ जाए, वेटिंग के चार्जेस लग जाते हैं भाई यार, वैसे भी गरीबी चल रही है। तो ये आज का व्लॉग है, एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी पार्टी रही आपका, मज़ा आ गया, बिरयानी बहुत अच्छी थी, थैंक यू सबा। सबा के हाथों में वाकई जादू है, फिर किसी दिन ट्रिप मारेंगे। ओके बाबा, इतना आते हैं, बाबा का बर्थडे है, अगेन हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, बारात में 12 बजे वेलिंगटन आते हैं। मोदा वेलिंगटन नहीं, बाकी शादी के लिए आएगा। तो बस ये आज का व्लॉग है, एंड इस व्लॉग का हम यहीं पैन करते, मिलते हैं आपसे सीधे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ बख़ैर, अल्लाह हाफिज़।